नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियदर्शनी। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि PMAYG में विभिन्न किश्तों के इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए आवास सॉफ्ट का इस्तेमाल करते हुए ऑर्डर शीट कैसे जनरेट की जाती है। सबसे पहले www.pmayg.nic.in पर लॉग ऑन करें। होम पेज में डेटा एंट्री टैब पर क्लिक करें और MIS डेटा एंट्री के लिए लॉगिन पर क्लिक करें। एग्जिस्टिंग सर्वर का इस्तेमाल करते हुए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स को भरकर लॉगिन पर क्लिक करें। क्योंकि ऑर्डर शीट जनरेट करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए ये कार्य नए सर्वर पर लॉगिन करके भी किया जा सकता है। MIS डेटा एंट्री पेज खुल जाएगा। EFMS विंडो से जनरेट ऑर्डर शीट फॉर FTO पर क्लिक करें, जिससे वेटिंग ऑफ अकाउंट होल्डर्स नेम एंड जनरेट ऑर्डर शीट फॉर पेमेंट बाय ब्लॉक पेज खुल जाएगा। अब पंचायत को सेलेक्ट करें, सैंक्शन फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट करें, स्कीम को सेलेक्ट करें और फिर इंस्टॉलमेंट को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट की गई पंचायत में PMAYG के अंतर्गत किश्त जारी करने के लिए पात्र लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित हो जाएगी। प्रत्येक लाभार्थी का विवरण इस सूची में लिखा रहता है, जैसे कि SECC डेटा के अनुसार लाभार्थी का नाम, बैंक की पासबुक के अनुसार लाभार्थी का नाम, PFMS के अनुसार लाभार्थी का नाम, कैटेगरी, सैंक्शन नंबर एंड डेट, हाउसहोल्ड कोड, पंचायत, सैंक्शन अमाउंट, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, बैंक्स और ब्रांच, लाभार्थी का अकाउंट नंबर और IFSC कोड। यहाँ आप देखेंगे कि कुछ लाभार्थी सफेद रंग में मार्क किए गए हैं और कुछ लाभार्थी लाल रंग में मार्क किए गए हैं। सफेद रंग में वो लाभार्थी हैं जिनका बैंक की पासबुक के अनुसार नाम PFMS के अनुसार नाम के साथ मैच करता है। लाल रंग में वो लाभार्थी हैं जिनका बैंक की पासबुक के अनुसार नाम PFMS के अनुसार नाम के साथ मैच नहीं करता है। यदि बैंक की पासबुक के अनुसार नाम PFMS के अनुसार नाम के साथ इसलिए मैच नहीं कर रहा क्योंकि नाम के आगे मिस्टर या मिसेज जुड़ा हुआ है, या PFMS में नाम कैपिटल लेटर्स में है जबकि बैंक की पासबुक में नाम छोटे अक्षरों में है, तो इस तरह के केसेस में आप लाभार्थी को सेलेक्ट करके ऑर्डर शीट जनरेट कर सकते हैं। यदि बैंक की पासबुक के अनुसार नाम PFMS में दर्ज नाम के साथ किसी स्पेलिंग मिस्टेक के कारण मैच नहीं कर रहा या नाम पूरी तरह से अलग है, ऐसी स्थिति में आपको उस लाभार्थी की ऑर्डर शीट जनरेट नहीं करनी चाहिए और अपने स्टेट नोडल ऑफिसर को उस लाभार्थी का अकाउंट अनफ्रीज करने के लिए कहना चाहिए, ताकि उसके बाद आवास सॉफ्ट के अकाउंट फ्रीजिंग मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हुए अकाउंट डिटेल्स को ठीक किया जा सके। हम इस विषय पर इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। ध्यान दें, जिन लाभार्थियों को प्रथम किश्त प्राप्त नहीं हुई है, केवल उन्हीं के अकाउंट अनफ्रीज किए जा सकते हैं। जिन लाभार्थियों का विवरण ठीक है, उन्हें सेलेक्ट करें और जनरेट ऑर्डर शीट पर क्लिक करें। ऑर्डर शीट जनरेट हो जाने के बाद सेलेक्ट किए गए लाभार्थी फंड ट्रांसफर ऑर्डर में प्रदर्शित हो जाएंगे, जिसके बाद उन्हें किश्त जारी कर दी जाएगी। FTO जनरेट और साइन करने की प्रक्रिया को हम एक अलग वीडियो में समझेंगे। इस प्रकार ऑर्डर शीट जनरेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। जिला स्तर पर ऑर्डर शीट को डिलीट करने का भी प्रावधान होता है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लॉगिन क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करते हुए MIS डेटा एंट्री के लिए लॉगिन करें। EFMS विंडो में ऑर्डर शीट डिटेल्स हेड के नीचे डिलीट ऑर्डर शीट पर क्लिक करें। डिलीट ऑर्डर शीट पेज खुल जाएगा। FTO पेमेंट PMAYG को सेलेक्ट करें, ब्लॉक को सेलेक्ट करें, सैंक्शन फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट करें, स्कीम को सेलेक्ट करें, इंस्टॉलमेंट को सेलेक्ट करें और ऑर्डर शीट नंबर को सेलेक्ट करें। ऑर्डर शीट में लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित हो जाएगी। सूची में से गलत लाभार्थी को सेलेक्ट करें। ऊपर से ऑल सेलेक्ट करके आप पूरे ऑर्डर शीट को भी डिलीट कर सकते हैं। ऑर्डर शीट को डिलीट करने के लिए सबमिट पर क्लिक करें। आइए
अब ये जानते हैं कि राज्य द्वारा लाभार्थी के अकाउंट को कैसे अनफ्रीज किया जाता है। स्टेट लॉगिन क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करते हुए MIS डेटा एंट्री के लिए लॉगिन करें। डेटा एंट्री पेज खुल जाएगा। EFMS विंडो के बेनिफिशियरी अकाउंट डिटेल्स सेक्शन के नीचे अनफ्रीज बेनिफिशियरी अकाउंट डिटेल्स पर क्लिक करें। बेनिफिशियरी अकाउंट डिटेल्स पेज खुल जाएगा। सेलेक्ट करें कि अकाउंट बैंक में है, पोस्ट ऑफिस में है या कोऑपरेटिव बैंक में। रजिस्टर्ड फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट करें। डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करें, ब्लॉक को सेलेक्ट करें, पंचायत को सेलेक्ट करें और फिर स्कीम को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट की गई ग्राम पंचायत में PMAYG में रजिस्टर्ड लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित हो जाएगी। जिस लाभार्थी के अकाउंट को अनफ्रीज करना है उसे सेलेक्ट करें और फिर अपडेट पर क्लिक करें। स्टेट द्वारा अकाउंट अनफ्रीज किए जाने के बाद अकाउंट फ्रीजिंग मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हुए अकाउंट डिटेल्स को सही किया जा सकता है। आइए इसकी प्रक्रिया को समझते हैं। PMAYG वेबसाइट के होम पेज से डेटा एंट्री टैब पर क्लिक करें। एग्जिस्टिंग सर्वर का इस्तेमाल करते हुए MIS डेटा एंट्री के लिए लॉगिन करें। अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स एंटर करें और लॉगिन पर क्लिक करें। डेटा एंट्री पेज खुल जाएगा। EFMS सेक्शन में से फ्रीज बेनिफिशियरीज अकाउंट डिटेल्स के नीचे बैंक के टाइप को सेलेक्ट करें। अकाउंट फ्रीजिंग पेज खुल जाएगा। फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट करें। राज्य, जिला और ब्लॉक का नाम स्वतः ही प्रदर्शित हो जाएगा क्योंकि हमने ब्लॉक क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करते हुए लॉगिन किया है। पंचायत और स्कीम को सेलेक्ट करें। स्कीम सेलेक्ट हो जाने के बाद लाभार्थियों के बैंक खाते की डिटेल्स जिसे स्टेट ने अनफ्रीज किया है प्रदर्शित हो जाएंगी। जिस लाभार्थी की डिटेल्स सही करनी है उसे सेलेक्ट करें। यहाँ आप बैंक, ब्रांच, अकाउंट नंबर और बैंक के अनुसार लाभार्थी का नाम बदल सकते हैं। आवश्यक सुधार कर लेने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करें। इसके बाद डिटेल्स को वेरिफिकेशन के लिए बैंक के पास भेजा जाएगा जिसके बाद लाभार्थी का नाम ऑर्डर शीट जनरेशन पेज में प्रदर्शित हो जाएगा। इस प्रक्रिया को पूरा होने में आमतौर पर 5 कार्य दिवस लगते हैं। आप इसका स्टेटस MIS रिपोर्ट्स में भी चेक कर सकते हैं और यदि लाभार्थी का नाम ऑर्डर शीट जनरेशन पेज में 5 कार्य दिवस में नहीं दिखाई देता तो हेल्प डेस्क पर कॉन्टैक्ट करें। आइए अब उन मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं जिन्हें आपको ऑर्डर शीट जनरेट करते समय याद रखना है। यदि बैंक की पासबुक के अनुसार लाभार्थी का नाम और PFMS के अनुसार नाम मैच करता है तो रो सफेद रंग में प्रदर्शित होगी। आपको ऐसे लाभार्थियों की ऑर्डर शीट जनरेट कर लेनी चाहिए। यदि बैंक की पासबुक के अनुसार नाम और PFMS के अनुसार नाम मैच नहीं करता तो रो लाल रंग में प्रदर्शित होगी। यदि नाम इसलिए मैच नहीं कर रहा क्योंकि नाम के सामने मिस्टर या मिसेस जोड़ा गया है या नाम कैप्स में है तो आपको ऐसे लाभार्थियों की ऑर्डर शीट जनरेट कर लेनी चाहिए। यदि बैंक की पासबुक के अनुसार नाम और PFMS के अनुसार नाम किसी स्पेलिंग मिस्टेक के कारण या नाम बिल्कुल ही अलग होने के कारण मैच नहीं कर रहा तो आपको ऐसे लाभार्थी की ऑर्डर शीट जनरेट नहीं करनी चाहिए और अपने स्टेट नोडल ऑफिसर को उस लाभार्थी की अकाउंट डिटेल्स अनफ्रीज करने के लिए कहना चाहिए। इस वीडियो में हमने सीखा कि ऑर्डर शीट को कैसे जनरेट किया जाता है, कैसे राज्य स्तर पर अकाउंट को अनफ्रीज किया जाता है और कैसे अकाउंट फ्रीजिंग मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हुए अकाउंट डिटेल्स को ठीक किया जाता है। आवास सॉफ्ट के बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।